हेलो एवरीवन। तो कल हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस की, और हमने बात करी थी सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था सुपर पोजिशन के बाद, इंटरफेरेंस के बाद, दो वेव्स की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी, आई यानी कि तीव्रता, उसका फॉर्मूला आया था आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू और कॉस के डेल्टा माइनस फाइव। और मेरे समझ में यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, और अगर आई है तो प्लीज़ बताएं कि क्या दिक्कत आई है, क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, मैंने ये बोला था ये जो डेल है, डेल्टा है, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पथांतर। इतनी बात समझ में आ गई थी। और ये जो था इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, और इस फेज डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं साहब? कलांतर। और ये जो आई था, ये आई किसके बराबर था? के इंटू ए स्क्वायर के, जहाँ ए क्या था? एम्पलीट्यूड। आई वन के लिए हमने एम्पलीट्यूड को ई नॉट वन ले रखा था, और आई टू के लिए एम्पलीट्यूड को हमने ई नॉट टू ले रखा था। एक बात और, जिन लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है वो कल वाला लेक्चर ज़रूर देख ले, क्योंकि ये जो है मैं कल से आगे का स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वो कल वाला लेक्चर प्लीज़ ज़रूर देख लो। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो दोनों सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या है? कला संबद्ध है। ठीक है, हमने ये बात की हुई है या हमें ये पता है कि कला संबद्ध स्रोत यानी कि कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनका जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। दूसरा, इंटरफेरेंस के केस में भी हमने बात की है यानी कि व्यतिकरण में, कि इंटरफेरेंस तभी होता है जब जो उसका फे जो सोर्सेज हैं उनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस या तो ज़ीरो होता है या क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने मान लिया कि जो सोर्स हमने मान रखे थे एस वन और एस टू वो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो इफ़ इफ़ एस वन एंड एस टू आर कोहेरेंट। क्या है? कोहेरेंट है। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया हिंदी में? हिंदी में हो गया इसका मतलब कला संबद्ध। कला संबद्ध। तो अगर ये कोहेरेंट है तो हमारा जो फाई है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फाई जो है वो बराबर था किसके? फाई वन माइनस फाई टू के। और अगर ये कला संबद्ध है तो फाई वन बराबर क्या हो गया? फाई टू हो गया, और इसलिए ये जो फाई है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा इंटेंसिटी का, तीव्रता का, ये क्या बन जाएगा? आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू और कॉस के डेल्टा। ठीक है, ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई थी किसके लिए? इंटरफेरेंस के लिए। और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया। अब इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। इसके आगे की हम बात करेंगे तो हमने ये बात करी थी कि इंटरफेरेंस में जो तीव्रता है उसका जो वितरण है, वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। नॉन यूनिफॉर्म रहता है मतलब असमान रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी? मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ ये जो आई है इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम कहाँ हो सकता है? जब कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? एक। और वो कब देता है? जब कॉस जीरो पे रहता है ना। इसी तरह से कॉस अपनी मिनिमम वैल्यू दे दे। मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब ये वैल्यू किस में आ जाए? माइनस में आ जाए। तो कॉस अपनी वैल्यू कौन सी दे देगा? मिनिमम दे देगा। तो वो पॉइंट जिनके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा उस इंटरफेरेंस को हम कहेंगे समपोषी व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वो पॉइंट्स जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको हम नाम देंगे विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और एक पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस जिसको हिंदी में कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। हिंदी में क्या नाम देते हैं? समपोषी व्यतिकरण। और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ मैं वो समझ में आ रहा होगा,
फिर भी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैंने ये कहा, ऐसा इंटरफेरेंस, ऐसा व्यतिकरण जहाँ पर जो इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो मैक्सिमम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब जब परिणामी तीव्रता, इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा मैं, परिणामी तीव्रता क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तो यह व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी आगे चल के, उसको मैं थोड़ी देर बाद अभी डिफाइन करूँगा। इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हो कि व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम देन द इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ इसको, व्हेन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम मैक्सिमम देन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। भाई राइटिंग वगैरह देख लेना, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है। इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हालांकि कोशिश पूरी है कि साफ साफ लिखूं, फिर भी अब जो है तो वो तो है ही, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको कहते हैं। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस अपनी कौन सी वैल्यू देगा? मैक्सिमम कॉस अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, मतलब कॉस की वैल्यू हो एक। और एक वैल्यू कब हो सकती है? जब जो हमारे पास पथांतर है, क्या है? पथांतर, यानी कि कॉस के डेल, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू किसकी मैक्सिमम वैल्यू? इंटेंसिटी की, ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस के डेल बराबर क्या होना चाहिए? ये बराबर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए इसके लिए। तो ये एक कब आ सकता है? ये एक कब आ सकता है? जब डेल किसके बराबर हो? एन लैम्बडा के बराबर हो। जब डेल किसके बराबर हो? एन लैम्बडा के बराबर, वेयर एन इज़क्ल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बात यह है कि साहब मैंने ये कैसे लिखा? देखो साहब, ये कैसे लिखा मैंने? देखो कॉस के, अच्छा कॉस के जो के है, के की वैल्यू जो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के की वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, क्या होती है? 2π/λ। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2π/λ। डेल को मैं बोल रहा हूँ एन लैम्बडा, क्या बोल रहा हूँ? एन लैम्बडा। शुरुआत में मैंने एन की वैल्यू डाली जीरो, तो व्हेन एन बराबर जीरो, तो ये क्या बनेगा? कॉस 2π/λ, और ये जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो ने अपनी वैल्यू क्या दे दी? वन, हमें वन ही चाहिए। फिर उसके बाद मैं दूसरी वैल्यू डालता हूँ वन, तो देखो क्या होगा जब एन बराबर वन डालता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा? कॉस 2π/λ, एन लैम्बडा, एन की वैल्यू वन डाली और लैम्बडा, तो लैम्बडा से लैम्बडा कटा, कॉस 2π यानी कि 360, तो वो भी कितनी वैल्यू देगा? वन देगा। फिर जब मैं एन बराबर कितना डालता हूँ? टू, तो देखो अब एन बराबर टू डालूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा कॉस 2π/λ, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी डाल दी? टू, तो ये 2λ, तो देखो 2 से 2 कटा, ये 4π, तो अभी भी क्या आएगा? वन आएगा। तो हर केस में कितनी आ रही है कॉस की वैल्यू? वन आ रही है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन गई, कि जब जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस सॉरी पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर, वो लैम्बडा का एन टाइम्स हो, लैम्बडा यानी कि जो वेवलेंथ है उसका एन टाइम्स हो, तो वो जो इंटरफेरेंस है वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो आप एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि व्हेन व्हेन पाथ डिफरेंस इज एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, एन टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, देन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड
इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ भाई, और इसको स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली देख लेना तुम तुम्हें क्या सही लगता है। हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ इस चीज़ को मैं, कि जब पथांतर पथांतर तरंग दिधेरे का, तरंग दिधेरे का एन गुणा होता है, एन गुणा होता है, तो यह किसकी घटना होती है? संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है, संपोषी व्यतिकरण की घटना होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। तो अब मैंने कुल मिलाकर क्या कर दिया, कॉस के डेल की वैल्यू को वन कर दिया, वन कर दिया तो क्या बना, यहाँ से ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो मेरे पास अब मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जो आई, आई मैक्सिमम वो कितना निकल के आया, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन और आई टू। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट आई वन स्क्वायर, रूट में, रूट में आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन और आई टू, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, बन गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट आई वन प्लस रूट आई टू और इसका स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, रूट आई वन का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ वन पावर वन बाई टू होगी, तो ये क्या आ जाएगा आई वन, ये क्या हो जाएगा आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की, किसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैं ये कह दूँ कि यदि आई वन बराबर हो जाए आई टू के, और बराबर किसकी वैल्यू दे दे आई नॉट, यानी कि दोनों सोर्स से जो इंटेंसिटी आ रही है, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी सेम हो जाए, और वो कितनी हो जाए आई नॉट, तो उस केस में आई मैक्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट आई नॉट प्लस अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा टू आई नॉट स्क्वायर, तो यहाँ से आई मैक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, फोर आई नॉट आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, फोर आई नॉट आ गई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंटेंसिटी की, कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई इंटेंसिटी की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी बात हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, और जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा, संपोषी व्यतिकरण। आगे बात करते हैं, आगे बात करें किसकी, विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम क्या लिखते हैं साहब, उसको हिंदी में लिखते हैं विनाशी व्यतिकरण, क्या लिखते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो मैंने कहा साहब कि विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण की वो स्थिति है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वो कंडीशन है जिसमें इंटेंसिटी यानी कि ये वैल्यू मिनिमम हो जाए, और ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब दे सकती है, जब कॉस अपनी कौन सी वैल्यू दे दे, मिनिमम कॉस, मिनिमम वैल्यू क्या देगा, माइनस एक, तो माइनस एक कब हो सकता है, जब कॉस पाई हो या थ्री पाई हो या फाइव पाई हो, तो हमें साम दाम दंड भेद लगा के कॉस की ये जो वैल्यू है इसको माइनस वन बनाना है, तो माइनस वन कैसे बन सकती है वो देख लो, तो माइनस वन कब बन सकती है, अगर ये कॉस के डेल मेरे को क्या बनाना है, माइनस वन बनाना है, तो ये माइनस वन बनाने की क्या कंडीशन है, कि इसको लिख दूं मैं टू एन प्लस वन, माइनस वन भी लिख सकता हूँ, और लैम्बडा बाय टू। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस वन लिखा है, प्लस कब लेंगे, माइनस वन कब, माइनस कब लेंगे वो दोनों बता देता हूँ। अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ लिखूँगा टू एन प्लस वन लैम्बडा बाय टू, और अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो एन की वैल्यू स्टार्ट करूँगा जीरो से, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जीरो से, जीरो वन टू एंड सो ऑन। अगर मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ माइनस में, तो टू एन माइनस वन लैम्बडा बाई टू, और एन की वैल्यू मैं स्टार्ट करूँगा वन से, वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि यदि मैं प्लस वैल्यू ले रहा हूँ तो एन की वैल्यू मैं स्टार्ट करूँगा जीरो से, यदि मैं माइनस में यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ तो एन की वैल्यू मैं स्टार्ट करूँगा वन से। अब हमें ये देखना है कि अगर मैं ये डेल्टा की ये वैल्यू ले रहा हूँ
तो यहाँ पर माइनस एक कैसे बनेगा देख लेते हैं वो भी। तो वो देखने के लिए मैंने यहाँ लिखा कॉस के डेल, तो कॉस के की वैल्यू कितनी है 2π/λ। डेल की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, डेल की वैल्यू ले रहा हूँ, अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो 2n+1λ/2। मैंने कहा जब प्लस वन लोगे तो n की वैल्यू कहाँ से चालू कर सकते हो, जीरो से, तो n की वैल्यू चालू करी जीरो से। तो ये क्या बना cos 2π/λ इंटू, ये जीरो हो जाएगा n की वैल्यू, प्लस वन इंटू लेमड़ा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ लेमड़ा से लेमड़ा कटा और ये दो से दो कटा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos पाई और इसने अपनी वैल्यू क्या दी माइनस वन। अगर मैं n बराबर वन रखता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा cos 2π/λ इंटू, ये बनेगा 2+1, एन की वैल्यू 1 रख दी तो लेमड़ा बाई 2, तो यहाँ से ये बनेगा कितना कॉस 3π, तो 3π अगेन क्या वैल्यू देगा माइनस। इसी तरह से आप निकाल सकते हो 2n-1 के लिए। तो आप यहाँ देखोगे कि n की या डेल की इस वैल्यू के लिए कॉस के डेल्टा हमेशा अपने कौन सी वैल्यू देगा माइनस वैल्यू देगा, माइनस वन वैल्यू देगा। तो ये कंडीशन बन गई किसके लिए, ये बन गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यदि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई टू का, किसका लैम्डा बाई टू का कितना मल्टीपल हो, 2n+-1 मल्टीपल हो। यदि जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई टू का 2n+-1 मल्टीपल हो तो वह कंडीशन जो है वो क्या कहलाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो कि वह कंडीशन जिसमें कि जो इंटरफेरेंस है वो अपनी मिनिमम वैल्यू दे उसको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब हम दोनों के लिए तैयार हैं। अब तो पहली डेफिनेशन कि जब आई मिनिमम हो तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि या जब पाथ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू का 2n+-1 गुणा हो, 2n+-1 गुणा हो तो यह क्या कहलाता है, तो यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें दो कंडीशन पता लग गई। तो अब मैं अगर माइनस वन वैल्यू रख दूँ तो आई मिनिमम जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा I1+I2 माइनस 2√I1 और I2। इतनी बात समझ में आ गई मैंने यहाँ कैसे कर दिया, क्योंकि कॉस के डेल्टा की वैल्यू को मैंने कितना रख दिया, माइनस वन रख दिया। तो यहाँ से अब मेरे पास फॉर्मूला कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आई मिनिमम बराबर √I1 − √I2 का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आई मिनिमम की। और अगर मैं कहूँ इफ़ I1 = I2 = I0 है तो मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसको कंक्लूड करें यानी कि इसका सार लिखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल है वो किसका मल्टीपल, एन लैम्ब्डा, या डेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन लैम्ब्डा, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूँ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल है वो कितना 2n+1 × λ/2। और जब प्लस ले रहे हो तो n की वैल्यू कहाँ से चालू कर सकते हो, 0 से 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और जब माइनस ले रहे हो तो 2n-1λ/2 और n की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये किसकी कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव की, और ये किसकी कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब संपोषी, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी। इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई मैक्स वो किसके बराबर आएगी, √I1+√I2 होल स्क्वायर।
इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई मिनिमम, वो किसके बराबर आएगी? अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कंडीशन और लिखी थी हमने, आई वन बराबर आई टू अगर है, इफ लगा देता हूँ आगे, अगर ऐसा है तो आई बराबर आई नॉट भी लिख देता हूँ। तो आई मैक्स की जो वैल्यू निकली थी वो कितनी निकली थी? 4i0। और यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर हो गई थी? जीरो के बराबर। जीरो कब हुआ था? जब आई वन बराबर आई टू बराबर कितना हो गया था? आई नॉट। ठीक है, तो ये पूरी जो दो लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये ड्राइव किया था कि जो इंटेंसिटी है वो कैसे निकलती है, और आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिव यानी कि संपोषी और डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो इसके आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।